हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए स्माइल 3.0 क्लास 10th मैथ का फुल सोल्यूशन। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक एक क्या दिया हुआ। प्रश्न क्रमांक एक दिया हुआ है युगात बहुपदों के और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध क्या होते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहला दिया हुआ है 4x² + 8x, दूसरा दिया हुआ है 4x² - 4x + 1। दोस्तों, इसके आंसर आपको नीचे देखने को मिलेंगे। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया हुआ है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः √5 - 1 है। चौथा दिया हुआ है उन बहुपदों को लिखिए जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः नीचे दिए गए हैं −3.4 - 1/3 - 4। पांचवा, चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक पहले का उत्तर दिया हुआ है, इसको आप नोट कर लीजिए। α + β = -β / α × β = c/a। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 4x² + 3x, तो इसका ये आंसर x = 0, x = -2 सुनते इसमें जांच करना है। α + β = एक बार निकालना, फिर α × β = निकालना है। दोस्तों, इसको आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया हुआ है हल दिया α + β √5 α × β - 1, तो ये इसका आंसर दिया है, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको अपनी कॉपी में। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथे का ये सॉल्यूशन दिया हुआ पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट, दोस्तों जल्दी से नोट कर लीजिए इसको अपनी कॉपी में फ्रेंड, जल्दी से। दोस्तों, अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल पर सर्च करें www.upboard.live, तो वहाँ से आप इसकी PDF डाउनलोड कर पाएंगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।